बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी, जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हाँ, इसमें सिंपथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है और कुछ सवाल भी मन में जगता है, और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम आपके समक्ष हाजिर हुए। बंधुगण, कल भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अ दलित्स डॉटर इज इंडियाज डॉटर। इसमें कोई दो मत नहीं है, दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। किंतु दलित की बेटी राजस्थान की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? दलित की बेटी छत्तीसगढ़ की, क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? पंजाब की होशियारपुर की टांडा गांव की दलित की बेटी, जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, क्या वो दलित की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? या हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं, कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है, उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। और तो और, आपको जान के आश्चर्य और दुख होगा कि कोरोना काल में इस प्रदेश में, राजस्थान में 38% का इजाफा हुआ है रेप और बलात्कार की घटनाओं में। आप सबने देखा भी होगा और न्यूज में दिखाया भी गया है कि किस प्रकार से कोरोना काल के समय एक पीड़िता, एक महिला अन्न मांगने गई थी, राशन मांगने गई थी, और किस प्रकार से उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, ये हम सब ने न्यूज चैनलों के माध्यम से देखा है। और मैं एक महत्वपूर्ण न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा आपको, आपको ये आर्टिकल देख के आपका दिल दहल जाएगा। ये आर्टिकल है राजस्थान में, ये आर्टिकल का जो शीर्षक मैं पढ़ रहा हूं, गहलोत सरकार ने विधानसभा में दिया जवाब, रेप के झूठे मुकदमे दर्ज कराती है शेड्यूल कास्ट महिलाएं, सामाजिक संगठनों ने जताया ऐतराज। गहलोत सरकार ने विधानसभा, पिछले समय जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जब बलात्कार के विषयों पर चर्चा की गई और जब भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने वहां पर इस विषय को पटल पे रखा, तो यह सोचकर भी मन सहर उठता है कि जो जवाब गहलोत सरकार का था कि जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं, एससी महिलाएं, दलित महिलाएं होती हैं, वो झूठी केसेस दर्ज कराती हैं, इसलिए एनसीआरबी के रिकॉर्ड में संख्या में इजाफा हुआ है। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधानसभा के पटल पर उन सारे एनजीओ और उन सभी दलित संगठनों पर भी उंगली उठाई गई थी जो दलित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। नतीजा यह रहा कि राजस्थान के कई दलित संगठनों ने इस पर आवाज उठाया था।
यह आर्टिकल आप देख सकते हैं, इसकी प्रमाणिकता मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक उसी प्रकार अब राजस्थान के कुछ विषयों को मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारे दिल को दहला देंगे और किस प्रकार दलितों के साथ वहां बलात्कार होता है, जिसको कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिसको नजरअंदाज करते हैं, यह विषय मैं आपके सामने रखूंगा। 26 जनवरी 2021 नागौर रेप केस, दलित महिला के साथ दरिंदगी, प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल, आरोपी गिरफ्त से बाहर, कि नवभारत में छपा था, मैंने डेट भी बताया 26 जनवरी 2021। एक दलित महिला के प्राइवेट पार्ट में किस प्रकार से बोतल डाल के उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, क्या राहुल गांधी उनके घर गए? नहीं। क्या राहुल गांधी ने ट्वीट किया? नहीं। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी उसके लिए दुख जताया? नहीं। अजमेर न्यूज, 30 सितंबर 2020, पीहर जा रही दलित विवाहित महिला, गांव के युवक ने रास्ते में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। ये अजमेर के रामगंज थाना का विषय है। एक दलित महिला अपने पीहर जा रही थी, ससुराल जा रही थी, रास्ते में रोक करके दुष्कर्म किया गया। किसी ने इस पर ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा, किसी ने इस पर बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। तीसरा, हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ खबर, 25 जुलाई 2021 हाल फिलहाल की बात है, राजस्थान के बाड़मेर में दलित बाप बेटे के हाथ पैर तोड़े, गालियां दी और फिर पेशाब भी पिलाया गया। बाप बेटे को, पिताजी और बेटे का नाम भी यहां लिखा गया है, रामचंद्र मेघवाल और रमेश बाड़मेर। इन दोनों के साथ जिस प्रकार से बर्ताव किया गया और पेशाब पिलाया गया, राहुल गांधी एक दिन भी जो दलित उत्पीड़न के खिलाफ आज आवाज बुलंद करने की बात कर रहे थे, एक दिन भी रामचंद्र जी के घर गए? नहीं। एक ट्वीट किया? नहीं। 16 मार्च 2021 राजस्थान, 15 साल की दलित बच्ची को बंधक बनाकर 9 दिनों तक 18 से अधिक लोगों ने किया गैंगरेप, शाहरुख समेत 20 गिरफ्तार। ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की पत्रिका में छपी हुई है, ये वहां के समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय न्यूज में छपा हुआ 16 मार्च 2021 का बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और ये पूरा का पूरा वाकया 15 फरवरी 2021 को हुआ, लगातार कई दिनों तक होता रहा, 18 दरिंदे रेप करते रहे। ये किसका? 15 साल की एक दलित बच्ची का, कोटा से उस बच्ची को झालावाड़ लाया गया था और ये दरिंदगी उसके साथ हुई। मगर एक आवाज कांग्रेस के किसी नेता, ना प्रियंका वाड्रा ना राहुल गांधी, एक आवाज इस पर बुलंद नहीं किया गया। आज राहुल गांधी जी ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, देश है, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल वी शुड स्टैंड फॉर जस्टिस, इसमें कोई दो मत नहीं, मगर सिलेक्टिविज्म, ये जो चयनात्मक राजनीति है और रेप जैसे जघन्य अपराध से राजनीति करने का प्रयास, ये उचित नहीं है। मैं आपको अभी राजस्थान का उदाहरण दे रहा था, पंजाब का उदाहरण सुन के आपका दिल दहल जाएगा। पंजाब में होशियारपुर में जिस प्रकार से एक 6 साल की दलित बच्ची के साथ, नाबालिग 6 साल की, दो युवकों ने टांडा गांव में अक्टूबर के महीने में उसका रेप किया, जिस प्रकार से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई, होशियारपुर की यह दलित बेटी, क्या यह हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? राहुल गांधी, क्या आप एक बार भी होशियारपुर के उस गांव में, टांडा गांव में जाकर उस बेटी के माता पिता से मिले, या आपने एक बार भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फोन उठाकर कहा, कैप्टन साहब आप मिलाओ जाके? नहीं, क्योंकि यहां आपको वोट नहीं मिलने वाला था, यहां आपको राजनीतिक बेनिफिट नहीं होने वाले थे। छत्तीसगढ़, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ 10वां स्थान पे है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, जहां तक बलात्कार का विषय है। 10 महीनों में 1716 बलात्कार की घटना हुई है और इस वर्ष केवल इस वर्ष 2021 में 60 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। कहीं एक जगह भी राहुल गांधी नहीं गए हैं, नदारत है। बंधुगण, अब मैं जो कहने वाला हूं एक बहुत सीरियस इशू है। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है, यह गैर कानूनी है।